आज के इस प्रेस वार्ता का मुख्य विषय है। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है और आप लोगों ने कई बार हमसे सवाल भी पूछे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे ऊपर अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने 500 करोड़ रुपए की जमीनें खरीदी है, पता नहीं राज्य में, देश में, विदेशों में, पता नहीं क्या क्या उलूल जुलूल बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सार्वजनिक जीवन में जीने वाला व्यक्ति जो होता है उसकी छवि ही उसकी पूंजी होती है, और इस तरह के बयानों से मेरा ये मानना है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे छवि को धूमिल करने का बेड़ा उठा लिया है। इसी विषय पर हमारा ये आज बात है। जैसे कि हमने पहले भी कहा था, हम इस विषय पर अपने कानूनी सहयोगियों से जानकारी लेकर इस विषय पर मैं कानूनी कदम भी उठा सकता हूं, और इसको लेकर हमने अपने वकील के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कल लीगल नोटिस भेज दिया है कि आप जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, या तो सार्वजनिक रूप से आप माफी मांगे, लिखित रूप से माफी मांगे, 7 दिनों के अंदर का हमने इनको मोहलत दिया है। अगर वो नहीं माफी मांगते हैं तो हम आगे कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। आपने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जी लगातार अपने शब्दों को लेकर चर्चा में रहते हैं, अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। आप लोगों ने ये देखिए, पहले पन्नों पर अपने अखबारों में 500 करोड़ की खरीदी हमने जमीन, हिंदुस्तान में 500 करोड़ की जमीन खरीदी, दैनिक जागरण भी इस बात को लिखते हैं कि 500 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी, झारखंड को लूटने के लिए चोर बने महागठबंधन। अभी महागठबंधन कहाँ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये लोग अपने से मनगढ़ंत, और इस तरीके से लगातार ये आरोप लगा रहे हैं। अब मुझे कभी कभी लगता है, या आप भी इसको महसूस कीजिएगा कि इनके जो बड़ी बड़ी लाल लाल आंखों में आप देखेंगे, झांक कर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इनका आदिवासियों के प्रति इनके मन में कितनी घृणा है। आज 5 साल बीतने जा रहे हैं सरकार को, जिस तरीके से इन्होंने मान मर्यादा भाषा, जो इनका गाली गलौज अप शब्दों का जो उपयोग रहा है, मानो ऐसा कि ये भाषा अब राजकीय भाषा हो गया है। अजीब सी स्थिति है। हमने स्पष्ट रूप से अब इस बात को मुख्यमंत्री तक संदेश देना चाहते हैं, अब इनका झूठ तंत्र, लूट तंत्र और षड्यंत्र अब नहीं चलेगा। इनका हर संभव, हर तरीके से इसका विरोध होगा, पर्दाफाश किया जाएगा,
और मुख्यमंत्री को हम बेनकाब करेंगे। आज जिस तरीके से झारखंड के शहीदों को, झारखंड के धरती पुत्रों को आतंकित करने का प्रयास हो रहा है, ये अब नहीं चलेगा। झारखंड ही मर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, यही हमारा इतिहास है और यही हमारा संकल्प भी है। आपको पता होगा कि इन्होंने SIT का गठन किया था और आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो SIT में जो शिकायत आई कहां से आई, ये मुख्यमंत्री सचिवालय से शिकायत गई। राजनीतिक दुर्भावना से ये ग्रसित ये कार्य इन्होंने किया, आज उसका रिपोर्ट सरकार के पास है। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। आप लोग भी उनसे इस चीज की मांग करें और जो उसमें दोषी हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे मुख्यमंत्री के लोग हों या अन्य कोई लोग हों, उन पर कार्रवाई की जाए। ये तो अजीब हालत है, जो मन आए सो बात बोलो। अभी एक मेरे पास उन्हीं के प्रियजनों का, उन्हीं के सगे संबंधियों का एक हाईकोर्ट में PIL दर्ज कागज है। ये कोई मनीष दास जी ने किया है, सोनारी के हैं, जमशेदपुर के, और रघुवर दास जी के साले खेमराज साहू पर ये केस दर्ज है, जो नोटबंदी के समय 15 लाख रुपए देकर उस व्यक्ति की जमीन हड़पी जा रही है। इस पर सरकार क्यों मौन है? आप क्यों न्यायालय का इंतजार कर रहे हैं? क्यों आप स्वतंत्र एजेंसी से जांच करके इसका दूध का दूध पानी का पानी करते हैं? ऐसे कई चीजें हैं इसमें जो पीड़िता है, पीड़ित परिवार है, वो आज पूरा डर भय के जीवन में जी रहा है। ऑडियो वीडियो सारा चीज उनके पास सबूत है, लेकिन सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती और उल्टे झारखंडियों को गालियां दे रहे हैं। क्या इन लोगों ने तमाशा बना रखा? इसलिए साथी, आपसे भी हम सहयोग की उम्मीद करेंगे कि इन सब चीजों पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री झारखंडियों को बदनाम और बेइज्जत करने की इन लोगों ने बेड़ा उठा रखी है, अब ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। इनका मानो भाजपा का जो मूल तीन मंत्र हो गया है कि झूठी बातें फैलाओ झूठ तंत्र, लूटो खसोटो लूट तंत्र, और षड्यंत्र करके लोगों को डराओ धमकाओ, एन केन प्रकार उनको हतोत्साहित करो ताकि वो राजनीतिक ये पर उनसे मुकाबला ना कर पाए। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही इतने कमजोर नहीं है, ऐसे लोगों को और इनसे भी मजबूत लोगों को हम लोगों ने पहले भी देखा है और उनको मुकम्मल जवाब भी झारखंड के लोगों ने दिया है। धन्यवाद। ये तो उनका कॉपी है, आपने जो लिखा। देखिए, हम रघुवर दास नहीं है, हम
अपने शिष्टाचार और हम अपने अग्रजों से और अपने पूर्वजों से शिष्टाचार के साथ चलते हैं, ये कानूनी कार्रवाई है। कानून अपने तरीके से चीजों को कर रहा है। हमने कहा हम अपने वकील के माध्यम से उनको लीगल नोटिस भेज चुके हैं और ये बात अब आप माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल करें तब पता चलेगा। फिर समय आने पर हम वो भी आपको सार्वजनिक करेंगे। वो 7 दिन का जो पीरियड है वो कब से शुरू होगा? नोटिस जा चुका है, उन्होंने कहा कल ही जा चुका है। एक तो सवाल का जवाब दे दीजिए, जैसे अभी आपने कहा कि हमने जो आपके माध्यम से बातें रखी है वो आप मुख्यमंत्री रघुवर दास से पूछे। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी आपके आरोप लगाते हुए कहा, पूछा है मीडिया के माध्यम से ये सवाल कि क्या हेमंत सोरेन इस बात का जवाब देंगे कि एसपीजी एक्ट का उन्होंने उल्लंघन किया है या नहीं। मुख्यमंत्री सवाल करे, इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? अगर हम गलत हैं तो ये 5 साल तक क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हैं? हमें तो जेल के अंदर होनी चाहिए। मैं तो पहले ही इस बात को कह चुका हूं, ये कौन सी नई बात है? इन्होंने इनको आरोप लगाना शोभा देता है क्या? आप ही सवाल, आप ही बताइए। सभी संवैधानिक संस्थाएं इनके गिरफ्त में हैं। आज पुलिस प्रशासन को तो मानो एक खिलौना समझ रखा है। इन सब चीजों को उनसे पूछिए, इनके पदाधिकारी किस तरीके से व्यवहार करते हैं, इनके पदाधिकारी हम पर आरोप लगाने के वजह से आज राजबदर होते हैं अपने आचरणों से। सर एक चीज बताया, एबीपी का एक प्रोग्राम था उसमें यही सवाल उठाया गया, तो सीएम ने उसमें कहा कि लीगल नोटिस भेजा, मैंने सोकल नोटिस आपको भेजा गया है, आप जवाब नहीं देते। क्या आपको ऐसा कोई सोकल नोटिस वगैरह आया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि आपने ये जमीनें हड़पी हैं, जमीनें खरीदी हैं, लाइक ये हमें नोटिस नहीं आया। मैं आपको चलिए बदलाव यात्रा के विषय में कुछ बता दीजिए। एक साहू का क्या नाम पता है? मनीष दास हैं जिन्होंने ये केस दर्ज कराया है कि नोटबंदी के दौरान खेमचंद साहू ने उनको 15 लाख रुपए दिए थे रखने के लिए, और अब जब मनीष दास वो पैसा वापस करना चाह रहा है तो खेमचंद साहू वो पैसे के बदले में उसकी आवास हड़पने की बात कह रहा है। उस खेमचंद माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, आप लोग पता कर लीजिएगा, शायद साले के रिश्ते में आते हैं। और ऐसे कई दर्जनों, हम आपको और भी कई चीजें समय समय पर आप लोग के समक्ष रखेंगे कि वो जिस तरीके से आचरण में आएंगे उनसे कहीं ज्यादा इन लोगों ने अपना जो कुकृत किए हैं उनका भी कच्चा चिट्ठा बाहर आएगा। ये कहां पर कंप्लेंट लॉज हुआ है, किस तारीख को हुआ है? हाईकोर्ट में या थाने? ये हाईकोर्ट का, हाईकोर्ट में ये पीआईएल हो चुका है। किस तारीख का है ये? ये 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 आप खुद देख लीजिए। हाँ केस है, ये मनीष दास वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड है, ये क्रिमिनल रिट है और इसको आप लोग अपने स्तर से ऑपरेशन कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद। एक मिनट जरा बताओ यार, तो एक क्वेश्चन बता दीजिए, कैसा चल रहा है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसको बोल दीजिए क्योंकि फिर आप क्षेत्र में चले जाएंगे। देखिए बदलाव यात्रा का आलम यह है कि
चौथे पड़ाव का पहला दिन का कार्यक्रम जमशेदपुर के माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास के समक्ष कार्यक्रम हुआ है। भरी बारिश में, झमाझम मूसलाधार बारिश, और आपके पत्रकार मित्र वहां भी हैं। आपको वहां बताया गया होगा कि किस तरीके से लोगों ने उस बदलाव यात्रा को समर्थन दिया है, और उसके बाद सरायकेला के भव्य स्टेडियम बिरसा मुंडा पर कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम के बारे में भी आपके सहयोगी ने बताया होगा। आज जिस तरीके से इस बदलाव यात्रा को समर्थन प्राप्त हो रहा है, आगे आप देखने आगे आगे देखें, अभी और दर्जन भर लगभग कार्यक्रम बाकी है, वो भी बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा, और कहीं ना कहीं इस बदलाव यात्रा से राज्य की जनता को, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को, सरकार के द्वारा चलाई जा रही षड्यंत्र बखूबी अब समझ में आने लगी है कि यह सिर्फ और सिर्फ चुनावी एजेंडे पर काम करती है, चुनाव को लेकर ही उनका सारा कार्यक्रम तय होता है। हमने परसों भी आपके समक्ष रखा कि व्यापारियों का पेंशन, किसानों का मानधन योजना, ऐसा मानो कि गली से सबको उस योजना का लाभ मिल रहा है। बता दीजिए, आजकल पता किए होंगे तो किसी को मानधन से लाभ मिला या ये पेंशन किसी का चालू हुआ? ये सब लुटेरों का जमात पूरे देश में अब कैसे लूटी जाए, उसका षड्यंत्र चल रहा है। अहमद जी, एक सवाल है कि आप कुणाल सारंगी ने जो आप लोग बहिष्कार किया था विशेष सत्र का, उन्होंने कहा था कि हम लोगों को पहुंचना चाहिए था, हम लोग मिस कर रहे हैं, क्या करेंगे? कैसा तो नहीं?